बात करेंगे उत्तराखंड के हल्द्वानी की, जहां पर महर्षि वाल्मीकि के जन्म जयंती के मौके पर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जहां स्थानीय लोगों ने यात्रा का स्वागत किया। पार्षद राधा देवी और उनके पति, सामाजिक कार्यकर्ता विनोद कुमार और छात्र नेताओं ने एक क्विंटल फूलों से शोभा यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान पार्षद राधा देवी ने कहा कि हम सबको महर्षि वाल्मीकि के दिखाए हुए रास्तों पर चलने की जरूरत है, तभी जाकर एक मजबूत समाज का निर्माण हो सकेगा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कि यहाँ पर कितना ज्यादा क्राउड है, इतनी ज्यादा पूरी जनता आज हल्द्वानी की रोड पर है। आज हम लोग भगवान वाल्मीकि जी का प्रकट दिवस मना रहे हैं और उस उपलक्ष्य में यहाँ पर कम से कम 25 तरह की झांकियां हैं और पूरा शहर रंग में हो चुका है। पूरा बहुत ही खुशी का माहौल है, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर शोभा यात्रा जा रही है। हमारे साथ आप सभी दिवस को बनाइए और भगवान वाल्मीकि स्वामी, भगवान महर्षि वाल्मीकि जी सबके परिवार में सुख शांति करें। रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस पर मैं देश एवं प्रदेश के सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और महर्षि वाल्मीकि जयंती के प्रकट दिवस पर उनके अनुयायियों द्वारा हमेशा उनका उत्साह देखने वर्दल रहता है। इसी उत्साह रूप में आज हमारा एक बहुत बड़ा पर्व जो वाल्मीकि समाज के अंदर मनाया जाता है पूरे भारत वर्ष में, और एक बहुत ही हमारे सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जी का जो आज प्रकट दिवस है हम बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं।